देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर के एक रेलिवेंट टॉपिक है, एक मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का एक ग्रामर में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हम इसे कैसे, क्यों और कब इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब्स व्हाई, व्हेन एंड हाउ टू यूज दैम, मीन्स कि इन मॉडल वर्ब्स को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसकी जो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स से मुराद कि इनकी क्या खसूसियात हैं। अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, दे आल्टर और कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब। हर एक सेंटेंस में मेन वर्ब होता है, ठीक है। दे आल्टर और कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब, तो जब भी उनके साथ ये इस्तेमाल होते हैं तो उसके जो मीनिंग है उसको कंप्लीट कर देते हैं या उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं मेन वर्ब के। दे एक्सप्रेस आइडिया सच एज कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, प्रोहिबिशन, प्रोबेबिलिटी, सपोजिशन, रिक्वेस्ट एंड डिजायर। जितने भी हम लोग वर्ड्स पढ़ते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, मस्ट, ये तमाम वर्ड्स आपके जो है वो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। तो हर एक वर्ड जो है, ठीक है, उसकी डिफरेंट एक जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। दे कैन ऑल्सो इंडिकेट द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी इन द कन्वर्सेशन। दे डू नॉट टेक एस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, मीन्स जैसा कि हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट में सिंगुलर के साथ एस ई वगैरह का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एस वगैरह का कॉन्सेप्ट वगैरह को नहीं। आइए हम देखते हैं कि मेन मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, विल, शुड, आउट टू एंड वुड, ये तमाम वर्ड्स आपके जो है वो मेन मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। और याद रखना है, इन तमाम मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आई अगेन रिपीट कि इन तमाम मॉडल वर्ब्स के बाद ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैन, सबसे पहले हम लोग कैन का यूज पढ़ते हैं कि कैन को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल इन इंग्लिश, कैन जो है वो बेसिकली हम लोग सबसे अक्सर फिकरात में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैन का मतलब इंग्लिश में, उर्दू में हम क्या है, सकना के मानों में आता है। मसलन मैं अगर सेंटेंस बोलूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो सकता, सकती, सकते, इसके लिए जो आपका वर्ड है कैन का वर्ड यूज किया जाता है। इट कैन एक्सप्रेस आइडिया सच एज कैपेसिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट, ठीक है। और दूसरी बात, कैन का जो वर्ड है वो ज्यादातर प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। मसलन अगर आपने प्रेजेंट टेंस में कैपेसिटी का इजहार करना है तो उसमें हम लोग कैन का वर्ड यूज करेंगे। मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, वो ये काम कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क, ठीक है। तो एक तो कैपेसिटी, काबिलियत, परमिशन, इजाजत और रिक्वेस्ट, ठीक है, इन तीन चीजों के लिए हम लोग कैन का वर्ड यूज करते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। पहले इसने एग्जाम्पल लिखी है, शी कैन स्पीक फ्रेंच, ठीक है, कि वो फ्रेंच जुबान बोल सकता है। इसका मतलब है कि उसमें एबिलिटी है तो ये काम कर रहा है, कैपेसिटी इसमें है तो ये काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो गया, कैन। अब हम लोग परमिशन की एग्जाम्पल देखेंगे, ही कैन कम इन नाउ, ठीक है। नंबर थर्ड में आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी रिक्वेस्ट की, कैन यू लेंड मी योर पेन प्लीज, कि क्या आप मुझे जो है वो अपना पेन उधार दे सकते हैं, तो ये रिक्वेस्ट के मानों में आ गया, ठीक है। तो तीनों की हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल लिख ली। तो ये ओवरऑल यूज है कैन का, इसमें तीन चीजें आ जाती हैं, कैपेसिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। नंबर सेकंड आपका आ जाएगा कुड, इट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, अमकान को ये जाहिर करता है, पास्ट एबिलिटी, जैसा कि हम लोग पीछे कैन में पढ़ कर आए हैं कैपेसिटी को, वही अगर कैपेसिटी हमने पास्ट टेंस में बयान करनी है तो कुड को यूज करेंगे। एज वेल एज सजेशंस, ठीक है, तजावीज अगर देनी है तो तजावीज के लिए भी कुड का वर्ड यूज किया जाता है, एंड रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का वर्ड यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम रेन कुड कॉज द रिवर टू फ्लड द सिटी, ठीक है, एक्सट्रीम रेन की बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से कुड कॉज द रिवर टू फ्लड द सिटी, यानी ये मुमकिन है कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से
जो सैलाब है वो शहर में दाखिल हो जाए। तो यहाँ पे अमकान को जहर किया गया है, इसलिए यहाँ पे हमने कुड का वर्ड यूज कर लिया। हालांकि ये प्रेजेंट है, लेकिन चूंकि पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे जो है वो कुड आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, जॉन कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंगर। पास्ट एबिलिटी, ठीक है, पास्ट एबिलिटी से मुराद माजी में आ जाएगा। जॉन कुड रन वेरी फास्ट, कि वो बहुत तेज भाग सकता था, व्हेन ही वाज यंगर, जब वो नौजवान था। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आई कुड डू दिस वर्क, सिंपल अगर फिगर करो कि मैं ये काम कर सकता था, तो ये पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। अब नंबर थर्ड एग्जांपल यहाँ पे हमें मिलेगी कुड की सजेशन के हवाले से, तजवीज के हवाले से, ठीक है। कहता है वी कुड गो टू द आइसक्रीम पार्लर और स्टे होम एंड वॉच अ मूवी, ठीक है। अब उसने तजवीज दी है कि जनाब हम आइसक्रीम पार्लर जा सकते हैं या घर रह सकते हैं या और मूवी वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक दूसरे बंदे को कोई तजवीज दे रहा है, तो जो याद रखिएगा कि जब भी तजवीज वगैरह यूज करनी है ऑलवेज यूज कुड। रिक्वेस्ट आ जाएगा, कुड आई यूज योर सेल फोन फॉर अ मोमेंट, कि क्या मैं एक लम्हे के लिए आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगेन रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज आ जाएगा। नंबर थर्ड आपके पास आ जाएगा मे, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव और आस्क फॉर परमिशन। मे जो है ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव और आस्क फॉर परमिशन, इजाजत के लिए भी ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। मारिया मे बी एट स्कूल और एट होम, ठीक है। ये यहाँ पे अमकान है, ठीक है। तो उसने बताया कि मारिया जो है वो शायद स्कूल में हो सकती है या घर में हो सकती है। मे ही लीव द रूम विद मी आस्किंग फॉर परमिशन, तो परमिशन के मानों में आ गया। नंबर थर्ड है यस ही मे लीव द रूम विदाउट यू गिविंग परमिशन, ठीक है। तो जब आस्किंग फॉर परमिशन, मसलन हम लोग क्लासरूम में बच्चे स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं मे आई गो ड्रिंक वाटर, ठीक है, तो वो क्या होता है आस्किंग फॉर परमिशन, और गिविंग परमिशन है इजाजत देना, तब भी जो है वो मे के यूज में आएगा, यस ही मे लीव रूम, ठीक हो गया। तो ये मे के माना में आ जाएगा गिविंग परमिशन। उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइट, माइट जैसे मे की सेकंड फॉर्म है। इट इज मोर कॉमनली यूज टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, हाउ एवर इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक सजेशंस और रिक्वेस्ट। दिस इज अ रेयर यूज, टफ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इट इज मोर कॉमनली यूज टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक सजेशंस, तजावीज वगैरह के लिए और रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के माना में। दिस इज अ रेयर वन ऑल दो, ठीक है। दो दिन से मुराद यहाँ पे अगरचे है। एग्जाम्पल इसकी देखेंगे, योर बैक पैक माइट बी अंडर द डेस्क, पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पर, ठीक है। यू माइट गो टू द बेडरूम ड्यूरिंग योर विजिट, ठीक है, ये सजेशन के मानों में आ गया। माइट आई ओपन द डोर, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट के बारे में जो है वो आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मस्ट, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट सर्टनटी, ठीक है, जरूर के मानों में। जब आप किसी चीज के बारे में यकीनन बड़े वसूख से के बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो मस्ट में यूज होगा। इट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट सर्टनटी, यानी जब आपने किसी चीज के बारे में यकीनन बात करनी है, ठीक है, तब मस्ट यूज होगा। दैट इज समथिंग यू आर ऑलमोस्ट श्योर इज ट्रू। मोर एवर इट कैन ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट बी सिक, शी नेवर गेट्स लेट टू स्कूल, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। शी मस्ट बी सिक, कहता कि वो मतलब जरूर बीमार है। शी नेवर गेट्स लेट टू स्कूल। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी एग्जाम्पल, स्टूडेंट मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, ठीक है, कि स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर जो दाखिला इम्तिहान है, कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो जरूर देना होगा अगर उन्होंने स्कूल में पढ़ना है। तो यहाँ पे ये शुड का यूज आ गया। यू मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट योर वॉइस, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। एग्जाम्पल्स ये क्लियर करनी है सारी चीजों को। सारा यू मस्ट ऑलवेज डू योर होमवर्क, ये ऑब्लिगेशन के मानों में याद आएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा शेल, इट इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन, इट इज मोर कॉमनली यूज विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल,
ऑफन यूज इन सजेशंस, प्रोमिसेस और प्रीडेस्टिनेशंस. फॉर एग्जाम्पल, शेल वी सेट द टेबल, ठीक है, तजवीज के मानों में आ जाएगा कि क्या हम जो है वो टेबल वगैरह को सेट करें. आई शेल नेवर लीव योर साइट, ठीक हो गया, ये प्रॉमिस के मानों में या वादा के मानों में. शी शेल बिकम ओवर नेक्स्ट क्वीन, ठीक है, पेश कोई अगर आपने किसी चीज के बारे में करनी, ठीक है, तो वो उस माना में आ जाएगा कि शी शेल बिकम ओवर नेक्स्ट क्वीन. विल, इट इज मोर कॉमनली यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन की बात कर रहा है वो, ठीक हो गया, कि आने वाले वक्त में जो है वो उस हवाले से. नॉनदलेस इट कैन ऑल्सो भी यूज टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट, कहते हैं ये प्रेजेंट में भी यूज होता है. वेन वी वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट, अगर हमने रिक्वेस्ट वगैरह करनी है, इट इज ऑल्सो यूज इन सिचुएशन इन विच वी मेक इंस्टेंट डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, सॉरी, ये फ्यूचर एक्शन में आपका आ जाएगा. विल यू क्लोज द विंडो प्लीज, रिक्वेस्ट के मानों में आ जाएगा. आई लव दैट टी शर्ट, आई विल टेक इट, ठीक है. इंस्टेंट डिसीजन यानी फौरन अगर आपने कोई फैसला करना है तो उसके लिए भी जो है वो विल यूज होगा. आई लव दैट टी शर्ट, कि मैंने कहता मुझे बड़ी प्यारी लगती है टी शर्ट, आई विल टेक इट, मैं इसे जरूर लूंगा. अगर आपने किसी चीज के बारे में फौरन फैसला करना है तब भी जो है आपका ये यूज हो जाएगा. शुड, दिस मॉडल इज मोर कॉमनली यूज टू गिव रिकमेंडेशन और एडवाइसिस, इट कैन ऑल्सो भी यूज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन एज वेल एज एक्सपेक्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू हैव मैनी क्लासेस, यू शुड टेक अ बॉटल ऑफ वाटर विद यू, रिकमेंडेशन, ठीक है. यू शुड फोकस मोर ऑन योर असाइनमेंट, ये एडवाइस एंड नसीहत के माने में भी जब हम बात करेंगे तो शुड का इस्तेमाल करेंगे. आई शुड बी एट वर्क बिफोर 7 PM, ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये फर्ज के मानों में अगर आ जाएगा. एट दिस मोमेंट दे शुड ऑलरेडी बी इन न्यूयॉर्क, एक्सपेक्टेशन, तवक्को, जब हमने किसी का चीज की तवक्को के मानों में वर्ड को यूज करना है तब भी जो है वो शुड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे. आउट टू, ये चाहिए के मानों में आ जाएगा, ठीक है. इट इज यूज टू एडवाइस और मेक रिकमेंडेशन, इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस अजम्पशंस, एक्सपेक्टेशन और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इंप्लाइज दैट समथिंग इज डिजर्व, ठीक है. मसलन, शी आउट टू स्टॉप ईटिंग रेड व्हीट, ठीक है. सैम आउट टू गेट अ प्रमोशन, एक्सपेक्टेशन के मानों में यूज हो रहा है, बिकॉज ही डिजर्व इट, ठीक है. अगर आप किसी चीज के लिए मुस्तहिक हैं तो मुस्तहिक होने के लिए हम लोग जो है वो आउट टू का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, चाहिए के मानों में. हालांकि यहाँ पे चाहिए का मतलब शुड है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्सपेक्टेशंस है ज्यादा है कि इंसान उसको डिजर्व कर रहा है, तब जो है वो आउट टू का वर्ड यूज करेंगे. दोज अपार्टमेंट्स आउट टू इंक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू मॉल, अजम्पशन, ठीक है, अगर आपने कोई मफरूजा वगैरह तैयार करना है. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वुड, इट इज मोर कॉमनली यूज टू क्रिएट कंडीशनल वर्ब टेंसेस, इन एडिशन इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक ऑफर्स, रिक्वेस्ट एंड टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट अगेन, ये सेकंड कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस जो है सेकंड कंडीशनल में जो है वो वुड का यूज किया जा रहा है. वुड यू लाइक सम केक, ये ऑफर कर रहा है, ठीक है, आपने अगर किसी को कोई चीज ऑफर करनी है तो हम लोग वुड का यूज करेंगे. वुड यू टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है. वुड यू टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज, क्या आप जो है वो टीवी वगैरह की या मोबाइल फोन की या किसी भी चीज की आवाज को कितना ऐसा कर लेंगे, ये तो ये रिक्वेस्ट के मानों में ऐसे जो है वो बात कर रहे हैं. वी वुड स्विम इन द डैम फॉर आवर्स व्हेन वी वर किड्स, पास्ट हैबिट्स के लिए हम लोग वर्ड वुड का यूज करते हैं जब आपने किसी चीज के बारे में जो है पास्ट हैबिट्स, यानी माजी की पुरानी पुख्ता आदत थी उसके हवाले से भी वुड का यूज करते हैं. मतलब इसका क्या है, कहता है वी वुड स्विम इन द डैम, और उसके कहता कि हम घंटों जो थे घंटों डैम में जो है वो तैरा करते थे. व्हेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे. ये छोटी सी वीडियो थी आज की मॉडल वर्ब्स के हवाले से, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी.